हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग. दिस इज आवर मॉर्निंग रूटीन. वी गोना शेयर विद यू अ लिटिल बिट. वी जस्ट वोक अप, इट्स अ वीकेंड एंड किड्स जस्ट हैड देयर मिल्क एंड दे जस्ट स्टिल सिटिंग डाउन इन अ बेड एंड प्लेइंग हियर विद देयर डिवाइसेस. वेयर इज अ बॉय? वेयर इज अ बॉय? हियर इज, हियर इज. सो डू यू वांट टू गो टू स्कूल? No. It's Saturday, you can go to school. No, I don't like school. You don't like school? No. No, because weekend me school nahi pachand. But weekdays me he enjoy school, don't you? You have to go to school. Your sister goes to school. I never like school. You never like school. No kids like school, but they have to go to school. School teach you how to read, how to speak. But I have a headache. I can't go there. Teachers talk. Teachers learn and they talk too, and talking gives me a headache. Oh, it makes sense. So, अभय की teachers बोलती है और उसकी वजह से अभय को headache होती है. ये है अभय ने बताया अभी हमें. अभय ये नाइटी में घर पे बैठना पसंद करेगा, जो स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा. नहीं है अभय? अभय, you have headache, so you can stay home every day. Oh my God! Abhay have password in his phone, and he forgot the password. Show it to friends. How you doing? Look, you forgot your password. No, I don't. Oh, you didn't. Okay, you're clever. तो अभय का फोन उस दिन मम्मी ने गिराया और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया फोन में. अभय, show your phone screen, baby. ये देखो, उस दिन मेरे हाथ से गिर गया, पूरी स्क्रीन इसकी क्रैक हो गई. तो अभी हमें नया फोन लेना पड़ेगा. है ना, यू हैव टू बाय न्यू फोन. ये बहुत ही क्लेवर है. ये जब से दो साल का था तब इसका आईपैड लिया था और इसने उसमें पासवर्ड रखा और खुद ही पासवर्ड डाल के. Can you just stop recording? Can you stop the recording now? You want to stop recording? Okay. Yes. In a minute, okay? Let's just show what our sister doing here. Helen ने अपना होमवर्क कर लिया उठ के सीधा और उसने ऑनलाइन सबमिट भी कर दिया. अभी हेलन को स्कूल में एक जॉब मिली है. जो हेलन ईयर 6 में है क्लास में, तो उसको ये बेज भी मिला है. और क्या बोलते हैं इसको? इट्स अ डिजिटल, व्हाट इज इट? डिजिटल लीडर. सो शी इज अ डिजिटल लीडर. सो वो पूरे क्लास को सिखाएगी कंप्यूटर. अभय डैंगलिंग ऑन माय हैंड राइट नाउ. So, Helen, what's your job role will be in school? To show people how to use technology and why it's important. And how many hours a day or once a week or when is the time like? When I have time. So, like, I don't have any lessons to do. I'm free in school. I can help other kids. Then your teacher will let you go into another class and teach other kids. Yeah. ये सो हेलन का ये रोल है स्कूल में. ये कंप्यूटर में इतनी फास्ट टाइपिंग करती है एंड ये छोटी थी तब से कंप्यूटर यूज करती है. काफी इसको नॉलेज है कंप्यूटर का, इसलिए इसको मिला है डिजिटल. व्हाट डिजिटल एडवाइजर? व्हाट्स योर रोल हेलन? हाँ, व्हाट्स योर रोल? डिजिटल लीडर. So she's a digital leader. वो छोटे बच्चों को जैसे year 1, year 2, year 3, year 4 और year 5 के सारे क्लास में सिखाती है कैसे ऑपरेट करना है लैपटॉप को और कैसे टाइप करना है. ये सब बच्चों को सिखाती है और खुद ही स्मार्ट है ये इन चीज़ों में. अभी इसने रीडिंग में भी अच्छे मार्क हेलन को आए. हेलन ने रीडिंग में पास भी किया वो उसका टेस्ट और अच्छे मार्क मिले हैं. और इसको होमवर्क चैंपियन का वो मिलता रहता है. अपने आप होमवर्क करके सबमिट करती है. एक इसको सब्जेक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं RE, जो रिलीजियस के बारे में लिखना है. तो हम हिंदू है और हेलन हिंदू का पूरा सब्जेक्ट अकेली करती है. पहले वो गूगल में जाके सर्च करेगी. फॉर एग्जांपल ये होली के बारे में लिख रही है तो होली के बारे में सर्च करेगी. उसमें से मेन की पॉइंट्स लेके वो अपना होमवर्क सबमिट करती है ऑनलाइन. मैंने खुद इसका देखा वर्क. बहुत स्मार्टली इसने वो एक्सप्लेन किया था अबाउट होली, कि हम हिंदू लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो ये मैंने उसका होमवर्क देखा था. और वो दिवाली के बारे में भी सबमिट किया. इसको 6 वीक में एक बार असाइनमेंट मिलता है जो 6 टाइप के होते हैं. इसमें एक RE जो रिलीजियस का
होता है सब्जेक्ट, और एक मैथ्स इंग्लिश और साइंस का भी होता है. ये सब अपने आप अपना होमवर्क करके ना सबमिट कर लेती है. ये 10 साल की है. बेटियाँ बहुत ही क्लेवर होती है पढ़ाई में भी, और ये अपना काम खुद कर लेती है अच्छे से. मामा, अभी घर के यस बच्चा, घर के काम हेलन इतने नहीं कर रही है. तो हम अभी थोड़ा सा हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू करेंगे. अभी अभय बेड में इधर बोर हो रहा है, तो हम चलेंगे अभी लिविंग रूम में. एंड व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, योर मिल्क बॉटल. वी गोइंग टू हैव, अभय गोइंग टू हैव मिल्क बॉटल नाउ. लेट्स गो, टेक योर फोन विद यू. अच्छा अभय उठ के बेबी बन गया वीकेंड में. यू आईपैड आउट ऑफ चार्ज. मैंने इसको ठीक कपड़े पहनाए अभी जब ये उठा है, क्योंकि ठंड सी है. सो बच्चा कंफर्टेबल रहता है. अभी बेबी बन गया अभय. अभय बिल्कुल छोटा बेबी बन गया. मैंने इसके लिए ऑलरेडी एग्स का वो बनाया है. अभय को मैं सिर्फ एग्स खिलाती हूँ, हेलन नहीं खाती. इसको स्मेल नहीं पसंद, तो मैंने अभय के लिए कुछ ऐसा बनाया है जो आपको, आप लोगों को दिखाती हूँ. क्रम्बल एग सा, ये मैंने अभय के लिए नाश्ते में क्रम्बल एग बनाया जो अभी खाएगा. और उसने, अभय ने अपना दूध पी लिया है, और ये हम सुबह सुबह उठ के प्रेयर करके हमारा दिन शुरू करते हैं. मैंने दिया जलाया गोट को, और अभय को दूध भी दे दिया. अभी हमने अगरबत्ती जलाई इधर, और ये छोटा ग्लासेस पहन के बैठ गया इधर अभय. जय जय भगवान कर रहा है. I got the cash. Yeah, you got money. Yes. You can give it to goat here. Goat give you double. I just need a phone. ये क्या उठ के ग्लासेस पहनने का. और अभय के लिए कुछ मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो आया तो वो अभय बहुत खुश है. चलो दोस्तों को दिखाते हैं. Here's your toy, the one we received. Which toy? You know the one you're drawing there. That so, one? सुबह सुबह इधर थोड़ा सुबह उठ के अंधेरा सा रहता है. अभी विंटर है इसलिए ये मैंने मंगवाया था. तो इसमें अभय ड्राइंग करेगा, और फिर वो की नई टॉय जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसमें अभय ड्रॉ कर सकता है. और फिर जब इसको ड्रॉ करके बोर हो जाता है एक ड्राइंग से, वो उसको डिलीट करके क्लियर कर सकता है वो बटन से. एंड ही इज एंजॉयिंग दैट. So, Abhay, are you going to tell friends? आप क्या कर रहे हो इस toy के साथ? No. तो मैंने हेलन का नया iPad order किया. इस भाई के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये कर दिया इसके लिए. ये बहुत खुश है. उठ के सीधा post आई थी, जिसको वो खोल के देखने में लग गया. And now drawing and enjoying. Let me see. What did you draw? Wow, look like heart upside down. I'm not done yet. You're not done it. Okay, so show me when you're done, okay? Mm-hmm. Are you happy with your new gift? Yep. I like it. You like it? Yeah. Now say hello, dosto. And also buy one for Helen because she likes this. Okay, buy one pink color one for Helen. Yeah, and also this Christmas. Okay, she I will buy for too. Helen too, okay? हमने उठ के सुबह prayer की, shower किया, फिर चाय पी मैंने, और अभय के लिए ये toy आया तो खोल के उसको थोड़ी help की. क्या ड्रॉ कर रहा है वो. और अब मैं हेलन के लिए पास्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11 बज गए, इसको भूख लगी है. तो हमारा इधर हमने गॉड जी को दिया जला दिया, हमारे गणेश जी और गॉड शिव. फिर हम इधर में कोने में वीडियो लगा के ना ये पास्ता बनाऊंगी. अभी ट्राई करती हूँ कहीं से अच्छा व्यू मिल जाए हमें. सो वीकेंड में मैं हेलन के लिए ज़्यादातर पास्ता और जो उसको फेवरेट फूड है वैसा कुछ बनाती हूँ, जो वो खुशी से खाएगी. और हाँ, अच्छा अगरबत्ती हूँ अभी, केयरफुल अगरबत्ती इधर मैंने जलाई है अगरबत्ती, और वो उसकी स्मेल कर रहा है. यू लाइक अगरबत्ती स्मेल? या अच्छा अगरबत्ती. Oh, you want to show your drawing to your friends? Look, अभय ने अभय लिखना सीख लिया है. इधर रखो. कुकिंग. मैं पास्ता बनाने लगी हूँ. पहले ये घी का डब्बा मैंने जो दिया जला के लिया था, और ये पास्ता अभी हम कुक करेंगे इसको. पहले पास्ता को सेपरेट बॉईल करती हूँ.
साथ शेयर करेंगे पास्ता की रेसिपी। पास्ता को पानी डाल के बॉईल करके अच्छे से, मैं थोड़ा स्पीड में वो वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाओगे मेरी वीडियो देख के। तो आज रामदेव ने मेरा चैनल आपको इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे नए लोग मेरे वीडियो देखेंगे और जुड़ेंगे, सारी यूट्यूब फैमिली। हेलो, नमस्ते, सीताराम, राम राम टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और आज मम्मी डैडी से वीडियो में मुलाकात हुई, रामदेव से भी बात हुई, वीकेंड में हमारी लंबी बात हो सकती है, मुझे इतना काम पे जाने की जल्दी नहीं होती। और मैंने रामदेव को बताया मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ है, तो बहुत खुश था रामदेव, भारती और दोनों, तो उन लोगों ने मेरी वीडियो शेयर की है। मैं आपको एक और नई चीज दिखाऊंगी, रामदेव भारती मेरे साथ रहते थे इधर ही, तो हम वो भी आपको हाउस टूर करवाएंगे, वो कमरा भी दिखाएंगे जिस कमरे में रामदेव भारती मेरे साथ रहते थे। हमारा पूरा घर है इधर, सिटिंग रूम है, हमने घर लेके रामदेव भारती मी मै हस्बैंड भी हम सारे इधर मूव हुए थे साथ में ही। और ये था 2011 की बात है, तो जब ये घर लिया था मैं और भारती साथ में एंटर किए थे, हे लकी, और रामदेव बहुत खुश थे, हम लोग चारों इस घर में आए थे। और एक दो कमरों का हमने ये घर लिया था, फिर हमने एक्सटेंशन किया इस डोर से, ये जो आगे की जगह है वो हमने बनवा ली बाद में। तो ये कमरा है, मैं थोड़ा ठीक अच्छा टाइडी करके लाइटें जला के आपको अच्छे से घर का व्यू टूर करवाऊंगी। तो उस टाइम पे हम दो बेडरूम ऊपर थे और हमारा बैठक रूम इधर था। ये वाव, यू अभय ने पूरी फैमिली का नाम लिखा है, दैट्स सो कूल, लुक, अभय ने लिखा है, अभय, हेलन, मम्मी, डैडी, वाव, जैसा भी इसको आता है अभी लिखना उतना लिखा है, आई एम सो हैप्पी, इसने पूरी फैमिली का नाम लिखा है, मम्मी, डैडी, हेलन, अभय, से हेलो दोस्तों, आर यू हैप्पी, अभय, मम्मी, हेलन, डैडी, ये, दैट्स सो कूल, थैंक यू, आई नो योर नेम इज ऑलरेडी, थैंक यू, दैट्स सो कूल यू डन। ये अभय है और ओम और शिव के अभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है, ये छोटा था तो हम गए थे इंडिया, अब मैं प्लान कर रही हूँ इंडिया जल्दी आऊंगी, बिकॉज बहुत दिल करता है शिव को उठाने का और उसको किसी किसी करने का, बेबी वी गोइंग टू सी राइट, और हम सुनी इंडिया में जाएंगे और हम उधर ही मिलेंगे सबसे।